खातून हूं तो सवाल कर सकती हैं। माइक नंबर 3 से। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज एन, आई एम अ स्टूडेंट, आई डन माय पीएचडी। द थिंग इज दैट आई हैव टू क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई। वन बीइंग जीसस इन बाइबल इज द सन ऑफ गॉड। इट इज स्टेटेड इन अ इंसिडेंस that the Holy Spirit came upon Jesus and he said, God himself said that this is my beloved son in whom I am well pleased. So who is Jesus? What is the fact about Jesus? Sister Anne, yeah, बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहि सलाम को कहा गया है son of God, yes, खुदा का बेटा, और एक कोटेशन है कि अल्लाह ने अपने बिलवेड सन के बारे में कहा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। yes. ये लफ्ज जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते, मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ। तो इस तरीके से बाइबल में गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, बाइबल में खुदा ने कई लोगों को बेटा कहा है। मिसाल के तौर पे बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहा है एडम इज द सन ऑफ गॉड, बाइबल में इफ्राइम इज द सन ऑफ गॉड, इज़राइल इज सन ऑफ गॉड, ऑल दोज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे आर सन्स ऑफ गॉड। जो भी कोई अल्लाह के अहकाम पे चलता है उसे कहते हैं अल्लाह के बच्चे या अल्लाह के बेटे। बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है, मिसाल के तौर पे आदम अलैहि सलाम को कहा गया खुदा का बेटा, इफ्राहिम को कहा गया है, इसराइल अलैहि सलाम को कहा गया। जो भी कोई अल्लाह के अहकामात को मानता है बाइबल कहती है कि वो अल्लाह का बेटा है, अल्लाह के बच्चे। और ये आम अल्फाज में किसी को एतराज नहीं है, हमें एतराज नहीं है। लेकिन जो एतराज है, जो ऑब्जेक्शन वी हैव इज द कोटेशन जो मिशनरी लोग कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। जो बहन कहना चाहती थी उसने रेफरेंस नहीं दी, बट वो क्या कहना चाहती मैं जानता हूं क्योंकि ये मेरा फील्ड है कंपैरेटिव रिलीजन। वो जो कोट करना चाहती थी वो है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में जहां लिखा है For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth with him shall not die but have everlasting life. For God so loved the world, खुदा ने दुनिया को इतना चाहा कि उसने अपना जना हुआ बेटा, God so loved the world that he gave his only begotten son, उसने अपना एक लौता जना हुआ बेटा, जो भी इस बेटे में मानता है वो कभी भी नहीं मरेगा एंड वो जन्नत में जाएगा। For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. वो मरेगा नहीं लेकिन हमेशा कामयाब रहेगा, मतलब वो जन्नत में जाएगा। ये जो बाइबल का वर्स है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, इसमें जो वर्ड बिगॉटन है ये स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं इट इज इंटरपोलेशन, इट्स अ कंकॉक्शन, इट्स अ फैब्रिकेशन, ये एक मिलावट है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लफ्ज जो जना हुआ है ही नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट में था बेटा, ये जना हुआ लफ्ज जो है ये इंटरपोलेशन है। और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। तो अगर कहना क्या ईसा अलैहि सलाम खुदा के बेटे है इन द राइट सेंस कॉन्टेक्स्ट में, बेटे मतलब अल्लाह का कहना मानते थे, हम मानते हैं कि हर पैगंबर जो खुदा के थे वो अल्लाह के करीब थे, तो उस अंदाज में अगर कोई कहता है कि अल्लाह के बेटे, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के जने हुए बेटे तो हमें एतराज है, क्योंकि अल्लाह सुबहान व तआला बेटा नहीं जनता। क्योंकि ये जो जनने की जो कुवत है ये कुवत है लोअर एनिमल्स की, एनिमल्स ह्यूमन बींग्स, अल्लाह सुबहान व तआला इसके कई ऊपर है। जिस तरीके से कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद,
ना वो किसी को जनता है, ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। तो ये चार लाइंस है, चार स्टेटमेंट्स है जो कुरान मजीद में खुदा को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है, अल्लाह सुभान तौर को डिस्क्राइब करने के कहा गया। और ये चीज बाइबल में भी है। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फर्ज है कि वो ईसा अलैहि सलाम में माने। कोई भी मुस्लिम मुस्लिम हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहि सलाम में ईमान ना लाए। हम ईमान लाते हैं कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह सुभान व तआला के एक भेजे हुए अजीम पैगंबर थे। हम मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम एक मौजजा के जरिए पैदा हुए बिना कोई बाप के, जो अक्सर मॉडर्न आज के क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम थे मसीहा, जिसे ट्रांसलेट हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहि सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहि सलाम ने जो लोग कोढ़ से बीमार थे उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। हम मुसलमान और क्रिश्चियन एक साथ जा रहे हैं, लेकिन कोई अगर पूछेगा तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहि सलाम खुदा है, या ईसा अलैहि सलाम खुदा के जने हुए बेटे हैं, और अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने खुदाई का दावा किया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी स्टेटमेंट, एक भी जुमला नहीं मिलेगा जिसमें साफ तौर से बिना कोई शक बिना कोई शुबा साफ तौर पे लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी शख्स पूरे बाइबल में से कहीं से भी एक भी जुमला मुझे दिखाए साफ तौर पे बिना कोई शक बिना कोई शुबा जिसमें ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं आज ईसाई मजहब को कबूल करने के लिए तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमानों के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट टू कंपैरेटिव रिलीजन का, बाकी अक्सर मुस्लिम नहीं है। मैं अपने सिर को गिलोटिन पे डालने के लिए तैयार हूं, मैं अपने गले को फांसी के बंधन में डालने के लिए तैयार हूं। अगर कोई भी शख्स एक भी जुमला बता सके पूरे बाइबल में बिना शक बिना शुबा जहां ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है साफ तौर पे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में कि मेरे वालिद मुझसे बड़े हैं, यानी मेरे खुदा मुझसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे खुदा सबसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल्स, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। ईसा अलैहि सलाम ने कहा है आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं, एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूं उस तरीके से फैसला करता हूं, एंड माई जजमेंट इज जस्ट, और मेरा फैसला हक का है, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं अपने आप कुछ नहीं कहता हूं, जो कुछ मेरे खुदा ने कहा है जो कुछ मेरे खुदा चाहते हैं वो मैं कहता हूं। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि खुदा के ख्वाहिश के हिसाब से मैं मेरी जिंदगी बसर करता हूं, वो इंसान मुस्लिम है। ईसा अलैहि सलाम मुस्लिम थे, ईसा अलैहि सलाम ने खुदाई का दावा कभी भी नहीं किया। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 में द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माई फादर्स हु हैज सेंट मी, जो आप अल्फाज मेरे सुन रहे हैं वो मेरे खुद के नहीं है लेकिन खुदा के जिसने मुझे भेजा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में ईसा अलैहि सलाम कहते हैं दिस लाइफ इज इटर्नल सो दैट यू मे नो द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम थाउ हैज सेंट, ये जिंदगी अमन की है, ये जिंदगी हमेशा के लिए, और आप जान लो कि खुदा एक है और ईश्वर ने खुदा ने इस ईसा अलैहि सलाम को भेजा है। और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में ई मैन ऑफ इज़राइल लिसन टू दिस जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड अमंगस्ट यू बाय वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस व्हिच गॉड डिड बाय एंड यू विटनेस टू इट। इस बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में लिखा है क्या ई मैन ऑफ इज़राइल लिसन टू दिस,
ये यहूदी लोग, ये इज़राइल के लोगों, इस बात को सुनो। जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड। ईसा अलैहिस्सलाम जो नसारा के थे, एक आदमी थे जिसे खुदा ने चुना, अमंगस्ट यू, आपके बीच, विथ वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस, और उनके जरिए निशानी दिखाए, मौजदा दिखाए, विच गॉड डिड बाय हिम, जिसे अल्लाह ने किया, एंड यू विटनेस्ड इट, और आपने उसकी शहादत दी। इससे साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे जिन्हें अल्लाह सुबहाना व तआला ने चुना, मतलब वो पैगंबर थे, और जितने भी मौजदा उन्होंने किए वो अल्लाह ने किए उनके जरिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, ना कि खुदा थे। तो आप मानते हैं इस बात में कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे? हाँ, मैं एक्चुअली आई बिलीव इन इस्लाम, दैट इज द फैक्ट आई एम हियर। माशाल्लाह, तो आप मानते हैं इस्लाम मजहब में? यस, बट देन आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू अदर्स। तो आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है? ही इज अ प्रॉफिट। माशाल्लाह, बहन मानती है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है और वो खुदा नहीं है, और वो जवाब चाहती थी किस तरीके से वो दूसरों को ये बता सके कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं, लेकिन पैगंबर है। तो आप कन्विंस्ड है अभी? यस। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस। आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है? यस। आप ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले है, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहा गया है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14, और वो आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मानते हैं उसमें? और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? यस। तो अगर आप मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, उसका मतलब आप मुस्लिम हैं? यस, बट आई हैवंट टोल्ड माय पेरेंट्स अबाउट दिस। बहन ने कहा कि ये चीज कि वो इस्लाम में मानती है, उन्होंने अपने वालिदैन से नहीं कहा है। वालिदैन को कहना फर्ज नहीं है, अगर कहे तो अच्छी बात है। आपके दिल में अगर ईमान है, इफ यू हैव फेथ इन योर हार्ट, दैट इज सफिशिएंट। यू नीड नॉट टेल योर पेरेंट्स, यू नीड नॉट टेल मी, यू नीड नॉट टेल एनीवन। इफ यू हैव फेथ, इट इज बिटवीन यू एंड अल्लाह, आप और आपके ईश्वर, आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। बोलना फर्ज नहीं है, लेकिन अगर बोले तो हो सकता है कि आपको इस्लाम पे चलना और आसान होगा। तो आपके वालिदैन को बोलना फर्ज नहीं है, धीरे धीरे आप आस्ते बोल सकते, जब आपको लगेगा कि अब बोलना सही है उस वक्त बोलिए, बोलना फर्ज नहीं है। या एंड वन मोर थिंग, द थिंग इज दैट आई वोंट टेल माय पेरेंट्स अबाउट इट, बट आई वांट टू कंप्लीटली बी अ मुस्लिम। सो इफ आई लाइक 20%, आई कांट गिव माय 20% टू इट, आई नीड टू गिव माय 100%। सो दैट्स द रीजन आई हैव टू टेल माय पेरेंट्स। बहन ने सवाल किया है कि मैं चाहती हूँ मेरे वालिदैन से कहूँ, लेकिन अगर नहीं कहूँगी तो 20% तकरीबन दे सकूँगी, इस्लाम पे मुकम्मल नहीं चल सकूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि पूरा चले। बहन 100%, कोई मुस्लिम ये नहीं कहता 100% मैं चलता हूँ, कोई गुनाह नहीं करता, कोई गलती नहीं करता हूँ, ये तो नामुमकिन है, क्योंकि हम इंसान ही गलतियाँ करते। लेकिन अगर आपके दिल में ईमान है, सबसे अहम चीज़ मुसलमान के लिए ईमान है, तौहीद। अगर दिल में ईमान है और तौहीद है, और अगर शिर्क आप नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, ये 100% होना ज़रूरी है जन्नत में जाने की। उसके बाद आस्ते आस्ते सलाह, इंशाल्लाह सलाह पढ़ेंगे, फिर आप ज़कात देंगे, रोज़ा रखें, आस्ते आस्ते। लेकिन सबसे अहम है कि आपको तौहीद पे चलना चाहिए, ये मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ आप किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये करेंगे तो शुरुआत है, इतना शुरुआत में कम से कम होना चाहिए, और धीरे धीरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे आपको मौका मिलेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इंशाल्लाह आप इस्लाम पे चल सकेंगे। लेकिन कम से कम इतना तो आप मान सकते अपने दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है, ये ईमान है। और अगर आप अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछते, किसी की बात नहीं करते, ये कम से कम ज़रूरी है। इतना कर सकते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद जितने प्रैक्टिसेस है, जितने भी अमाल है, वो धीरे धीरे इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेंगे और आपको आसान करेंगे। तो आप कम से कम इतना तो मानते हैं दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई मामूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और ईसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर है, आप इतना मानते? Yes. तो इतना मानते तो आप इंशाअल्लाह इस्लाम में दाखिल हो सकते। So I would like to get converted. माशाल्लाह, बहन ने कहा कि वो चाहती है कि वो इस्लाम कबूल करे। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव?
कोई भी प्रेशर? नो. माली प्रेशर? नो. माशी प्रेशर? नो. फिजिकल प्रेशर? नो. आप अपने दिल से कबूल कर रहे हैं? यस. आपके दिमाग से भी? यस. आपके पूरे होशो आवाज से? यस. और आप मानते खुदा एक है? यस. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? यस. माशाल्लाह. तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप इसको दोहराइए. ब्रदर, देयर इज वन मोर पर्सन हु वुड लाइक टू टेक द शहादा. ओके, इंशाल्लाह शी कैन जॉइन. बहन, आपका नाम क्या है? दूसरी बहन का? मेरा नाम सुनंदा है. आपका नाम है सुनंदा? मैं बुद्ध धर्म से हूँ. बुद्ध धर्म? बुद्ध से? हाँ. और आप मानते खुदा एक है? हाँ. आप मानते बुद्ध परस्ती गलत है? हाँ. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ. आप पे कोई दबाव नहीं इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं. कोई भी फिजिकल प्रेशर? नहीं. कोई भी माली प्रेशर? नहीं. क्योंकि किसी को प्रेशर डाल के इस्लाम कबूल करना गलत है. हमारे मजहब में भी गलत है, इस देश में भी गलत है. आप अपनी फ्री विल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ. अपने दिल से? हाँ. अपने दिमाग से? हाँ. खुश आवाज से? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, इंशाल्लाह दोनों बहनें एक साथ इंशाल्लाह शहादत दोहरा सकते. अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. मैं गवाही देती हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है. माशाल्लाह आप दोनों मुस्लिम हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए कि अल्लाह सुबहाना व तआला आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी जिंदगी इस दुनिया में दे और इंशाल्लाह आखिरत में भी आपको जन्नत में डाले. और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुबहाना व तआला आपके खानदान वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को भी हिदायत दे. और हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आप भी इस इस्लाम के अमन के पैगाम को फैलाएं. I have a request. I want everyone here present to pray for me and my family. बहन की ये इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि वो चाहती है कि जितने लोग यहाँ मौजूद है, माशाल्लाह लाखों का मंजर है, उसकी ख्वाहिश है कि आप उसके लिए और उसके खानदान वालों के लिए आप दुआ कीजिए. हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुबहाना व ताला बहन को जन्नत में डाले और दुआ करते हैं इंशाल्लाह कि आपके खानदान वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को हिदायत दे इंशाल्लाह. या स्पेशली फॉर माय फैमिली. इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपके खानदान वाले, आपके फैमिली मेंबर्स को अल्लाह ताला हिदायत दे. थैंक यू. जज़ाकअल्लाह शुक्रन. इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है. इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाएंगे. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज सोनू एंड माय क्वालिफिकेशन इज द बीए आर्ट्स एंड आई एम रिवॉर्ड. मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में क्या फर्क है और क्यों? बहन का सवाल था कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में क्या फर्क है और क्यों. मुसलमान और गैर मुसलमान में क्या फर्क है और क्यों. मुस्लिम मतलब वो इंसान जो इस्लाम को कबूल करता है. इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, मतलब अमन. आता है लफ्ज सिल्म से, मतलब अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना. मुस्लिम मतलब वो शख्स जो अमन हासिल करता है, शांति हासिल करता है, अपनी जिंदगी अल्लाह और खुदा के मुताबिक चलना. गैर मुस्लिम वो जो अमन नहीं हासिल करता है और अल्लाह के मुताबिक नहीं चलता, उसे कहते हैं गैर मुस्लिम. क्यों फर्क है? क्योंकि वो ईमान नहीं लाता. जिस दिन वो ईमान लाएगा कि खुदा है, कि उसके अलावा कोई नहीं है, वो धीरे धीरे उसके ऊपर चलने लगेगा. तो मुस्लिम वो है जो अमन हासिल करता है, खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता है. और गैर मुस्लिम वो है जो अमन नहीं हासिल करता है और खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं बसर करता है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. आप क्या बनना चाहती है, मुस्लिम या गैर मुस्लिम? आई एम अ रिवॉर्ड और मैंने इस्लाम किए हुए भी एक साल मेरा कंप्लीट हो रहा है. माशाल्लाह. तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला को हिदायत दे और अल्लाह ताला आपको दीन पे कायम रखे. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि प्लीज लेट नॉन मुस्लिम आस्क क्वेश्चन फर्स्ट, गैर मुसलमान को पहला मौका दीजिए, उसके बाद रिवर्ट्स के ऊपर आएंगे हम. अल्लाह ने दीन दे चुका है, ईमान दे चुका है, हम उनको मौका देंगे जो गैर मुसलमान है. गैर मुसलमान के सवालात खत्म होने के बाद हम रिवॉर्ड को देंगे.
कमलेश लाल जी मिश्रा, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैंने प्रश्न पूछने के पहले ही मेरे प्रश्न का समाधान मिल गया। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमें हिंदी में कुरान पढ़ने के लिए दे दी जाए। नमस्कार। माशाल्लाह, भाई साहब ने कहा कि उनके सवाल का उत्तर मिल चुका है, जवाब मिल चुका है। भाई साहब, आप मानते हैं खुदा में? मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है, 100% गलत है। 100%, माशाल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं सर पढ़ा नहीं हूँ कुरान, उसके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन एक ईश्वर में मैं विश्वास करता हूँ और आपके बाणी में भी विश्वास करता हूँ। किसके बारे में? आपके बाणी में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते आप रहे। मेरे बारे में, आप जो मैं कहता हूँ मेरे में विश्वास करते? मैं कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आप विश्वास करते हैं? आप मैंने पढ़ा नहीं है। मैं क्या, मैंने प्रश्न किया आपसे कि मुझे कुरान हिंदी में दे दी जाए। बिल्कुल सर, मैं कुरान आपको दूंगा, लेकिन मैं ये पूछता हूँ, मैं अगर कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, अब आप इसमें मानते हैं क्या? नहीं। संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। मैं संत आपको तब मानूंगा जब मैं कुरान पढ़ूंगा और उससे समझ लूंगा, फिर मैं आपको संत मानूंगा। मैं आपके बारे में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप माने के मुझे संत हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं संत हूँ। आपने कहा कि मेरी डीवीडी से आपको बहुत सा ज्ञान मिला। हाँ, ज्ञान मिला। आप मानते कि खुदा एक है? खुदा एक है। मानते 100% बुत परस्ती गलत है? गलत है। अभी मैं और एक सवाल पूछता हूँ। आपने मेरी डीवीडी देखी होंगी? हाँ देखी है। और उससे शायद आपको इल्म हासिल हुआ? आपने वो डीवीडी देखी मेरी जिसमें कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं देखा। वो देखी नहीं, लेकिन मैंने अभी जवाब दिया पहले, वो सुना आपने? हाँ सुना, अच्छा लगा। ये साबित होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप जो भी बात करते हैं प्रमाण के साथ करते हैं, लेकिन मैं जब तक कुरान नहीं पढ़ लेता हिंदी में, मुझे कुछ ज्ञान नहीं रहता, तब तक मैं कैसा मान लूं? बिल्कुल सही। तो आप स्टेज पे आ सकते हैं, मैं आपको कुरान का तर्जुमा दूंगा। बिल्कुल आ सकते। कुरान का तर्जुमा लिखिए और आप पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आप संतुष्ट हो जाएंगे, इत्मीनान हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आप अपने मुंह से भी कह सकते। दिल में तो मेरे हिसाब से आपके पास ईमान है, इंशाल्लाह आप स्टेज पे आके कुरान ले सकते।